ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, मगर समय बहुत कम है, उसका डर बहुत ज्यादा रहता है। हमें सम्राट अशोक से बहुत सारे सबक सीखने हैं। सम्राट अशोक इस भारत भूमि पर पैदा ना होता तो ये देश कभी भी विश्व गुरु का पद कभी नहीं पा सकता था। सम्राट अशोक तक बुद्ध की महिमा भारतवर्ष तक सीमित थी। इस देश का नाम सप्त सिंधु था, सात दरिया बहते थे, पांच तो वो जो पंजाब में और दो ये गंगा जमुना, ये सप्त सिंधु। इसी को हम पहले आर्यवृत्त कहते थे। बुद्ध के समय में यहाँ के लोग काले रंग के होते थे, जामुन के बहुत पेड़ थे, तो इसलिए से जम्बूद्वीप कहा गया, जम्बू जामुन के पेड़ों के कारण। मगर इसकी ख्याति भारत की सीमा से बाहर न थी। कोई भी बड़ा से बड़ा दार्शनिक हो, कोई भी बड़े से बड़ा समाज सुधारक हो, कोई भी बड़े से बड़ा युग प्रवर्तक हो, उसकी महिमा उसके शिष्यों के कारण स्थापित होती है। तो सम्राट अशोक के कारण बुद्ध की महिमा स्थापित हुई। कैसे? जब बुद्ध के मार्ग पर सम्राट अशोक चले गए, उन्हें लगा कि ये तो ऐसा कल्याणकारी मार्ग है, सारी दुनिया में जाना चाहिए। सम्राट के अशोक के समय में कितनी दुनिया थी, उतनी दुनिया में उन्होंने अपने 9 प्रचारक मंडल भेजे, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं 9 मिशनरीज, भिक्खु संघ की टोलियां भेजी, और उन 9 प्रचारक दलों का जो ब्यौरा है जिस जगह उपलब्ध है, एक बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, उसका नाम है शासन वंशो। सम्राट अशोक के शासन में या बुद्ध धम्म के शासन में जो एक अद्वितीय घटना घटी, उन 9 देशों का वर्णन शासन वंशो में है, जो पिपलायन जी अभी प्रकाशित होने वाला। अभी मैं आया हूं अंबेडकर भवन पर बोल के आया हूं, आपको भी बता दूं भैया, गलतफहमी में मत रहना। आज सम्राट अशोक के नाम की महिमा सारे हिंदी क्षेत्र में अगर फैली हुई है तो किस